मीठी चटनी, बस कर हरी चटनी, कुटी हुई धनिया, प्याज, ये भी बनकर एकदम रेडी हो गया। इसमें लगाते हैं चम्मच। तो दोस्तों हम भी शुरू करते हैं खाने के लिए। तो कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है, तो कलर कितना बढ़िया है, कलर जब बढ़िया है खाने में मज़ा आएगा। एक नंबर के तबे मम्मी 40,000 रुपये देने को तैयार हैं ये पत्ता का। नमस्कार दोस्तों, मैग्ने ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चल रहे हैं बनाने आलू टिक्की चाट, जो करारी टिक्की होती है आलू की, उसके साथ छोले के साथ में। चलते हैं फटाफट, देर नहीं करते हैं, चलते हैं बनाने के लिए। तो ये छोला वाली मटर है मेरे पास, इसको भिगो दिए थे 6 घंटे के लिए, इसको बॉईल करेंगे। देखिए इसमें क्या क्या डालना है। जाएगा पानी, कितना आलू भी इसी के साथ में बॉईल कर लेंगे। देखिए ये टिक्की बनाने के लिए दोनों साथ में बॉईल हो जाएगा, आप अलग अलग बॉईल करिए कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इसमें जाएगा नमक, थोड़ा सा मीठा सोडा, 2 चुटकी मीठा सोडा, थोड़ा सा हल्दी भी जाएगी इसमें। तो थोड़ा चम्मच इसको मिला देते हैं नमक वगैरह इसे हो जाए। देखिए ये आलू ऊपर ही रहेगी, ये इसमें लगाएंगे सीटी, 2 सीटी इसमें मार देते हैं, रेडी हो जाएगा हमारा ये छोला भी और आलू भी। ये देखिए रेडी हो गया, 2 सीटी में एकदम रेडी कर देंगे इसको हम बना के। तो इधर ये मीठी चटनी बनाए हैं, इसकी रेसिपी हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, इसको बन जाएगी बहुत आराम से। तो इधर है हरी चटनी, तो ये पुदीना और अदरक हरी मिर्च की चटनी है। ये रहा तावा, इस पर बनाएंगे हम, इसको धुल के रख दिए हैं, साफ हो गया है। तो आलू बॉईल हो जाए बस छिल के उसको जो है मस्त बनाते हैं। ये देखिए हमारा छोला भी उबल गया मस्त। तो पहले हम आलू निकालेंगे इसमें से, ये देखिए गरम है अभी। आलू भी हो गए, इसको निकालते हैं, आलू करेंगे ठंडा। देखिए आलू हमारी हो गई है मस्त, इसको जो है ठंडा करके छील के कद्दूकस करेंगे। ये आलू हम छील के कद्दूकस कर लिए हैं, तो इसमें मिलाएंगे हम अरारोट, इसको बढ़िया से मिलाएंगे अरारोट में, ये इस तरह। आटा जैसे लगाना है वैसे लगाना है इसको, थोड़ा गिर भी गया है कोई दिक्कत नहीं निकालने में। ये देखिए इसको अच्छे से सेट कर देना है अरारोट के साथ में आलू को। ये देखिए रेडी हो गया, अब दूसरी थाली में रखेंगे, थाली में तेल लगाएंगे पहले, तो उसमें रखेंगे ये आलू को। तो दूसरे थाली में तेल लगा लिया, इसमें रख देते हैं ये, अभी चपकेगा नहीं, ये देखिए ऐसे रहेगा सेट रहेगा। तो चलते हैं तवा लगाते हैं, सेटअप लगाते हैं इसको फ्राई करने के लिए। तो ये इधर लगा लिया सेटअप अपना पूरा रिफाइंड ऑयल टिक्की तलने के लिए, इधर तवा, बाकी छोला भी हमारा एकदम बन के रेडी हो गया है, मीठी चटनी, तीखी चटनी, दही और थोड़ा सा प्याज और हरी धनिया। तो चलते हैं फटाफट गैस चलाते हैं और तवा लगाते हैं गैस पे। लगा दिया तवा, इसमें लगाएंगे रिफाइंड ऑयल, तेल को बढ़िया से करेंगे गरम। तो ले लिए आलू, चलते हैं टिक्की बनाने के लिए। तो आराम से थोड़ा हाथ में तेल लगा करके तभी इसको बनाएंगे, तो हाथ में लगे, तो इस तरह से ये गोली तोड़ के इसे, देखिए ये गया तेल में, इसी तरह जो है बॉल बना के इसमें डालना है। तो फटाफट हम सब डालते हैं,
देखिए देखिए जो हो गया है, जैसे ये देखिए एक तरफ हो गया है, इसको पलट देंगे। देखिए देखिए ये भी हो गया है एक तरफ। तो देखिए जैसे कि ये हो गया है, इसको साइड में कर देते हैं और इसको दबा देते हैं। ये किनारे ये देखिए इसी तरह इसको दबा के छोड़ देते हैं किनारे। अभी बाद में इसको हम फ्राई करेंगे, पहले एक तरफ फ्राई कर लेते हैं। ये जब तक और डाल देते हैं हम बना के फटाफट, और हम बड़ी बड़ी बना रहे हैं। इसको भी जो है बाहर निकाल के ऐसे ही दबा देते हैं। देखिए ये देखिए इसको भी थोड़ा बाहर निकाल देते हैं, इसको भी दबा देते हैं साइड में। ये जो हो गया इसको दबा देते हैं, बाद में इसको फिर से फ्राई करेंगे, उसके बाद फिर रगड़म लगाएंगे। तो देखिए सब डाल दिए हैं, ये देखिए। तो जो हो गया है उसको हम जो है साइड में करके छोड़ देते हैं। तो पलट पलट के बढ़िया टिक्के को फ्राई करेंगे। देखिए करारी की टिक्की बन रही है, ये इसको हटा देते हैं। जब बना जब खाना रहेगा तब जो है इसको फिर से सेकेंगे दोबारा। तो देखिए ढेर सारा इधर लगा लिए हैं, जो हो जा रहा है उसको हम जो है बाहर कर दे रहे हैं। अब इसको दोबारा सेकना है भाई, इसको भी अभी थोड़ा सेकेंगे। देखिए पलट जाओ, हाँ ठीक, तो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और इधर हमारा पत्तल भी आ गया है, ये देखिए। तो पत्तल में खाएंगे जैसे दुकान पे खाया जाता है उस तरह। ये देखिए जो है सारी टिक्की हम फ्राई कर लिए हैं। देखिए अब ये थोड़ा सा बचा है तो हो जाएगा, ये भी बचा है, सब हो गया है हमारा। खाने के लिए चलते हैं फटाफट, दोबारा फ्राई करेंगे इसको, थोड़ा सा कर लेते हैं एक बार, बाकी यहाँ शुरू करेंगे ताकि ये पहले से हो गया था। चलिए ये भी हो गया, ये देखिए एकदम रेडी हो गई हमारी टिक्की, ज़बरदस्त। तो हम यहाँ शुरू करते हैं, इसको पकड़ते हैं साइड में पहले लाते हैं, इसको थोड़ा सा दबाएंगे, प्रेस करेंगे इस तरह, ये करारी करने के लिए। ये गया तेल में, दो दो टिक्की फ्राई करेंगे, ये ले गया तेल में। इसको बढ़िया से करारी सेकना है, इसको पलट देते हैं। देखिए एकदम करारी बन गई है, इसको भी पलट देते हैं। ये देखिए तो इसको भी डालते हैं प्रेस करके बढ़िया से तेल में। आ जाओ भाई आ जाओ, काहे रुक रहे हो, इसको भी डालते हैं तेल में। ये देखिए ये हो गई है, इसको निकाल लेते हैं, थोड़ा तेल गड़ जाए तब जो है इसको छोले साथ में डालेंगे। इसको भी जो है प्रेस करके सेकते हैं। ये दोबारा फ्राई हो रही है टिक्की, ये देखिए ये भी हो गया, इसको भी सेट कर लेते हैं, इसको पलट देते हैं। ये भी साइड में आ जाओ भाई, फटाफट चलते हैं, फटाफट प्लेट लगाते हैं। ये देखिए टिक्की लगाते हैं इधर, और थोड़ा सा इसको क्रस करते हैं, गरम है भाई, डबल डबल टिक्की बना देते हैं। ये दो तीन टिक्की गए इसमें, थोड़ा सा ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो सब में फटाफट हम टिक्की लगा देते हैं। तो कटिंग कर देते हैं, देखिए चाकू से कटिंग करना है, गरम है। अब डालेंगे इसमें
छोला, ये देखिए छोटा है हमारा धनिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए गरम था इसलिए कटोरे में ले लिए हैं धनिया को, और इसमें जाएगी मीठी चटनी, हरी चटनी, और इसमें जाएगी थोड़ी सी दही, और थोड़ा सा प्याज और हरी धनिया, धनिया पाउडर, पाउडर नहीं है दरदरा कुटा हुआ है, और ये नमक, ये भी एकदम रेडी हो गया है। देखिए तो चलो फटाफट हम सब में लगा देते हैं। ये देखिए इसमें थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक, इसमें लगाएं चम्मच, और थोड़ा सा दही और प्याज, ये बनके रेडी है। लो इनसे छोला, मीठी चटनी, हरी चटनी, कुटी हुई धनिया और नमक, प्याज, ये भी बनकर एकदम रेडी हो गया। इसमें लगाते हैं चम्मच, तो देखिए एकदम सारा रेडी कर लिए हैं बना करके। धनिया में पूरा मसाला वगैरह था जो कोटे थे, धनिया, काला नमक, तो सब एकदम फटाफट बना लिए हैं, और सबका रखा भी है उधर, कुछ लोग रखे हैं, कुछ इधर रखे हैं। तो चलते हैं खाते हैं, इसका स्वाद भी बताते हैं कैसा बना है। ज़बरदस्त बना है, ताकि हमें पता है कि ज़बरदस्त बना है। मम्मी शुरू कहते हैं खाए के है। कैसा मम्मी? बहुत अच्छा है, बढ़िया है। हम चार नहीं खाए तो कह खा दिया है, नहीं किया है, चालीस रुपए के है। कहती है 40 रुपए के हैं, तो 40 रुपए हमें कह दो ना। 40,000 रुपया है, और का एक टिक्की 40,000 रुपया हमका मिलती है। अब सोच लिया कैसे बना हुए, जब एक टिक्की का 40,000 देती है मम्मी हमें, देखिए मतलब तो कुछ कुछ क्वालिटी है ही है। तो दोस्तों हम भी शुरू करते हैं खाने के लिए। तो कलर देखिए कितना जबरदस्त आया है, कलर कितना बढ़िया है, कलर जब बढ़िया है खाने में मजा आएगा। तो पहले मिलाते हैं सब टिक्की वगैरह को, उसके बाद एक नंबर के है। तबे मम्मी 40,000 रुपये देने को तैयार हैं ये पत्ता का, तो मेहनत भी किए हैं, काफ़ी मेहनत लगा था, काफ़ी समय भी लगा था। कैसा है बिटिया? बहुत अच्छा है, बढ़िया है। अभी तो कटोरे में लेके खा रहा है इतना सारा, अब लोग कह रहे हैं इतना सारा हो गया मेरा गिर रहा है, मैं कटोरे में लेके खाऊंगा। ढेर सारा हो गया था ना। इस्लामो मारत है का हो, टिक्की चाट बढ़िया है, स्वादिष्ट टिक्की है। मैं तारा दुकान खोल लीजिए का एक दिन, बिहार से यूपी तक ऐसा टिक्की मैंने आज तक नहीं खाया। तो यार हाँ, तो बिहार से आ, हम यूपी से हैं, बिहार यूपी वाले आज मिल गए दोनों जने, आज तक ऐसा टिक्की नहीं मिला कहीं भी। पैसे बहुत खर्चा हुआ लेकिन इस टाइप का, तो साथ बना लीजिए ना। हाँ यार सोचा जा रहा है कुछ रेस्टोरेंट खोलने के लिए, दुकान इनके दुकान यहाँ टायर की, तो जो है जब ये फ्री हो जाए शाम के, होम ड्यूटी फ्री हो जाए, दोनों जन मिल के आलू, मम्मी आलू छिले रही है, आलू छिले रही है। ये टिक्की की एक पत्ता का मम्मी 40,000 रुपया देती है, कहीं 40,000 दिया भाई, 40,000 लिया तो फायदा हमारे टिक्की में यार। हाँ, बहुत अच्छा स्वादिष्ट टिक्की है। तो एक पत्ता और लाए? नहीं नहीं अभी नहीं, पहले खा ले। तो इसको चाट के खाया ना जाए चम्मच से, तब तक नहीं आता है, दोना चाटने में जो मजा है। तो दोना चाटा भाई, फिर दूसरा रखा ले लिया, मजा नहीं है, दूसरा ले लिया, बहुत ही स्वादिष्ट, दूसरा ले लिया। काटे
काटा तुम्हें तो अदा करवा पैसा में आए। अरे हम चाट खाने कहाँ से आए बताओ? बिहार से आए, बिहार से 500 किलोमीटर दूर। लीची वाली नगर इस ना, लीची वाली नगर मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर की लीची। लीचियों खूब बहुत हुए ना, बहुत बेटी पेड़ वाले यार लगाई हम वो लीचिया का है। इस बार जाएंगे घर को ले जाएंगे। चलो ठीक, चलो हम भी थोड़ा नहा लेते हैं ताकि बनाते बनाते थोड़ा गर्मी लग रहा था।